ये तुम क्या कर रहे हो हथौड़ी? तरह तरह के चेहरे बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन तरह तरह के चेहरे बनाने से अपनी असली सूरत थोड़ी ना बदल जाती है। भले भाई सब कर सकते हैं। अरे ये क्या? भाई ने तुम्हारा चेहरा बना लिया। सच, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। अरे पीछे से भी वैसा ही है। केनिशी, क्या हो रहा है? और तुमने ये निंजा के कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ, ये क्या? आप भी धोखा खा गई ना। मैं तो अपने कपड़ों में ही हूँ, लेकिन आपने इसे केनिची समझा। देखो बहुत हो गई मस्ती, तुम्हें बुखार है ना? चलो वहाँ पर आराम से लेट जाओ, आराम करोगे तभी तो ठीक होगे ना। अब सो जाओ। हाँ, अगर बुखार ठीक नहीं हुआ तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, और वहाँ वो हमारा पता नहीं युमिको को क्या क्या सिखा देगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? लो, केनिची ने आज फिर से छुट्टी मार ली। जरूर कोई बात होगी, वो बिना किसी वजह के छुट्टी नहीं लेता। हमारा वो कहीं ज्यादा बीमार तो नहीं है ना? अरे तुम उसे जानती नहीं हो, वो केनिची एक नंबर का झूठा है। स्कूल से छुट्टी लेने के तरह तरह के बहाने बनाता है। क्या वो सच में ऐसा करता है? हाँ, तुम तो उसे अच्छे से जानती ही नहीं हो, है ना? मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इस हमारा का तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ हथौड़ी, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो तुम मेरी जगह चले जाओगे प्लीज? क्या मैं तुम्हारी जगह स्कूल चला जाऊँ? प्लीज हथौड़ी, मेरे लिए ये काम कर दो ना, प्लीज प्लीज। अब तुम इतना कह रहे हो तो क्या सारे बच्चे आ गए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आ जाओ केनिची। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अरे भाई, आज तो ये लड़का बड़ा सुधरा हुआ लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो शुरू करो। क्या बात है, बहुत अच्छे रोशेज। नेक्स्ट। जी सर। तुम्हें इतना पसंद आया, मुझे अच्छा लग रहा है। यामारा तो निंजा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। सर मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन केनिची, तुम्हारा तो टीम में नाम ही नहीं है। केनिची को टीम में आना है? देखो केनिची, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। क्यों तुम खुद की बेइज्जती करवाते हो? हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी सोचो, समझे? तुम्हें हिस्सा लेना है तो जरूर लो। मुझे अपने आप को साबित करना होगा, ये केनिची की इज्जत का सवाल है। कहीं मेरे चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया है? मुझे यकीन नहीं होता। क्या करूं, अब कौन सी किताब निकालूं? वो क्या था? कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, अभी पता लगाता हूँ। केनिची के बच्चे, पता नहीं शिंजो, मेरा बुखार उतना ही है या कम हुआ है। सिसी मानो थर्मामीटर लाओ। क्या कर रहे हो? मुझे हथौड़ी की फिक्र हो रही है, वहाँ स्कूल में सब ठीक तो होगा ना? ये लो, मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया है युमिको। तुम कितने अच्छे हो केनिची, हर काम में मेरी मदद करते हो। ओए केनिची, आओ। अभी आया। बाय बाय युमिको। आओ आओ, यहाँ आओ आओ। क्या बात है हमारा? मुझे मालूम था तुम हथौड़ी हो, है ना? आखिर इस हमारा ने मुझे पहचान ही लिया, क्या करूं? अरे रुको, अब भाग के जाओ भगोड़े। रुक जाओ, रुको। भाग कर जाओगे कहाँ? अभी देखता हूँ तुम्हें। केनिची के बच्चे, देखो हमारा आया है। चलो छुपाते हैं। हथौड़ी कहाँ छुपे तुम? बच के भाग तो नहीं गया? बच के जाएगा कहाँ, अभी बाहर निकलेगा। हथौड़ी, अरे ये तो हमारा है, मुझे लगता है कि इसने हथौड़ी को पहचान लिया है। अभी बाहर निकालता हूँ, शुरू हो जाओ। चले चले, मनी देना।
मजा आया ना हथौड़ी? हमारा, मैं हथौड़ी नहीं हूँ, मैं केनी जी हूँ। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं सब जानता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। इस अमारा को मैं केनी जी को तंग करने नहीं दूंगा। ये लो अमारा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। हथौड़ी, मुझे खुशी है कि तुमने यूमिको के सामने मेरी इज्जत बढ़ा दी। यूमिको को छोड़ो और अपने नहीं बल्ले भाई, तुम चीखना मत प्लीज। बल्ले भाई की चीख किसी तूफान से कम नहीं है। माफ करना। अब क्या हमारी हड्डी भी तोड़ोगे हथौड़ी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा जुकाम दूसरों के लिए तूफान है और मेरे लिए सिर्फ झरना। देखो मैं क्या लाया हूँ। पापा, इसमें क्या है? आओ, ये क्या है? केनिची, जरा इसे खोलो तो। जी पापा। क्या होगा? ये खाना होगा। अरे वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये सोने की है? हाँ, मेरे ऑफिस वालों ने ये नई ट्रॉफी बनवाई है। मैं अभी स्टोर से लेकर आया हूँ, सोचा कि इतनी अच्छी चीज है तो तुम लोगों को भी दिखा दूँ। मानना पड़ेगा, क्या बनावट है इसकी। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ बिल्कुल, सच में। नहीं, 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 आप लोग सब वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे हथौड़ी आओ, देखो पापा क्या लाए हैं। बहुत ही सुंदर चीज है, देखने लायक है। तुम्हें क्या हुआ हथौड़ी? बल्ले भाई मेंढक से डरते हैं। ये डरता है? वो भी एक मेंढक से? जानते हो हथौड़ी एक मेंढक से डर गया। क्या सचमुच हथौड़ी मेंढक से डर गया था? इतना डर गया कि सीधे छत से जाकर चिपक गया। अच्छा तो हथौड़ी मेंढक से डरता है। अच्छा तो तुम इसे पकड़ो, तब तक मैं इसके बारे में लिखती हूँ। पकड़ना जरूरी है। अगर तुम इसे नहीं पकड़ोगे तो मैं एक हाथ से कैसे लिखूंगी? मेंढक हरे रंग के होते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, कितना छुपा है ये। केनिची, केनिची, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? केनिची रुको। अरे कहाँ चला गया ये मेंढक, अब कहाँ ढूंढू उसे? हाँ, कहाँ गया मेंढक? तुम्हें वो मेंढक मिल गया? नहीं। अब मैं क्या करूँगी? उस मेंढक के बिना मैं अपना रिपोर्ट कैसे? रो मत, मैं मेंढक ढूंढ लूँगा। वो नहीं मिला तो? अरे क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना, मैं अभी उस परेशानी का हल ढूंढ देता हूँ। देखो तुम रो मत, मुझे तुम्हारा ये रोना बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाओ ना, लो अपने आंसू पोंछ लो, ये लो। शुक्रिया, मेरा मेंढक खो गया। अच्छा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यूमिको कि वो मेंढक मैंने ही तो चुराया है, क्योंकि मैं हथौड़ी को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। जानती हो, फिर कल जब मैं तुम्हें वो मेंढक दूंगा तो तुम मुझे पसंद करोगी और गले लगा लोगी। मजा आएगा। क्या तुमसे यूमिको का मेंढक हो गया? और तुम वो ढूंढने में मेरी मदद करो हथौड़ी, वरना वो मुझसे रूठी रहेगी। तुमने वो मेंढक कहाँ खोया था बताओ? हथौड़ी, मैं और यूमिको यही मैदान में थे, पता नहीं कहाँ गया। उस मेंढक को तो यही कहीं होना चाहिए। अरे ये क्या, हथौड़ी पेड़ पर चढ़ गया? नहीं नहीं, मुझे लगा कि यही कहीं मेंढक दिखाई दे। मेंढक पेड़ पर नहीं होते, जमीन पर होते हैं। मैंने सोचा कि वो पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ नहीं है। डिंग 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 डिंग, पता नहीं ये मेंढक कहाँ गया। डिंग 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 डिंग, यहाँ पर भी नहीं है। हथौड़ी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उस मेंढक का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। फिक्र मत करो केनिची। हाँ वो क्या है?
जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो शहर के बाहर वाले तालाब में है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह का खत किसने लिखा होगा हथौड़ी? वहाँ जाकर देखने में क्या हर्ज है, चलो चले। टिंगी, आज मैं उस हथौड़ी से जमकर बदला लेने वाला हूँ। अब तो गया। वो लोग आ रहे हैं। अब आएगा असली मजा। अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? तुम लोग ठीक तो हो ना केनिची? अमारा ये क्या बदतमीजी है, इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अच्छा मुझे लड़ना चाहते हो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। बल्ले भाई, हथौड़ी। क्यों हथौड़ी, इस मेंढक को देखकर होश उड़ गए ना, अब आओ लड़ने। नहीं, मैं एक मेंढक से नहीं डर सकता। दिंग दिंग दिंग। नहीं, मैं उसे हार नहीं मारूंगा, अभी तुम्हें पता चलेगा। डरना मत हथौड़ी, हिम्मत रखना भाई, तुम बहादुर हो। अल्ले ये सब बेहोश क्यों हो गए? इस बाल तो मैं ढीले से लोया था। सच्ची मेंढक? मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने बहुत जोल से माला। इतनी जोल से मारेगा तो रोना तो आएगा ना, है ना? चलो हम उंगली वाला खेल खेलते हैं। जिसकी उंगली बड़ी उसकी होगी जीत, जिसकी उंगली ज्यादा उसकी होगी जीत, जिसकी उंगली कम उसकी होगी जीत, जिसकी उंगली पूरी उसकी होगी जीत, जिसकी उंगली बड़ी उसकी होगी जीत। मैं नहीं खेलूंगा। पर क्यों? इस खेल में तो हमेशा तुम ही जीतते हो। जो मैं तुमसे इसीलिए जीतता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, समझे कि नहीं? बच्चों मैं लॉलीपॉप लाई हूँ। लॉलीपॉप? चलो चले। मैं तुम सबके लिए लॉलीपॉप लाई हूँ। मैं तो शिशुमानों को भूल ही गई थी, मैं तो सिर्फ 3 ही लॉलीपॉप लाई हूँ, अब क्या करें? तो उंगली के खेल से फैसला कर लेते हैं। ओ नहीं। चलो, जिसकी उंगली छोटी वो हारा। तुम भी आ जाना। जिसकी उंगली छोटी वो हारा। देखो मैं फिर से आ गया। अब मैं हमेशा की तरह जीत गया। मैं हमेशा क्यों हार जाता हूँ? जिसकी उंगली बड़ी उसकी होगी जीत। मैं उनके साथ खेलता हूँ, शायद इस बार जीत जाऊँ। मैं भी खेलूँ, मैं भी खेलूँ। जिसकी उंगली छोटी वो हारा। अरे रुक जाओ, आपस में मारपीट करना बहुत बुरी बात होती है। पर हम तो खेल रहे हैं। ये कैसा खेल है? चलो चलो खेले। अच्छा अच्छा, तो ये सारा खेल उंगलियों का है? हाँ सर। ठीक है, तो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जिसकी उंगली सबसे बड़ी, उंगली बड़ी वो जीता। और अब तुम सबको मार खानी पड़ेगी। बताओ मार खाओगे या भागोगे? ऐसे भागना बेमानी है। लेकिन तुम्हें तो हार की मार ही खानी पड़ेगी। मैं तो मजाक कर रहा था। चल लुक जाइए ना, मेरे साथ खेलिए ना। नहीं, मुझे बहुत काम है। अरे बेटा, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। अब मैं तो यहाँ से चला। बच्चे, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं खेल सकता, मेरी बात मानते क्यों नहीं? बस थोड़ी देर खेल लीजिए, वरना मैं लो दूंगा।
तक शिंजो को लॉलीपॉप नहीं मिला तो बेचारा कितना उदास हो गया था। देखो इसीलिए मैं उसके हिस्से का लॉलीपॉप लाई हूँ। आप ऐसे एक बच्चे का दिल कैसे तोड़ सकते हैं सर? देखो मुझे काम पर जाना है बेटा, अगर मुझे छुट्टी होती तो मैं जरूर खेलता। तो छुट्टी कर लीजिए। इससे शिंजो की खुशबू को पहचान लो। पहचान ली मैंने। शिशी मानो, अगर तुम यहीं पर सूंघते रहे तो फिर तो हम ढूंढ चुके शिंजो को। आओ मेरे साथ चलो। चलो उसके पीछे चलते हैं। देखिए मैं मजबूर हूँ ऑफिसर। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ सर। मरी उंगली जीत गए। मेरा हाथ कटा है। अरे वाह! अरे मैं क्यों जीत गया? मैं सबको बुला के लाता हूँ। चलो जिसको उंगलियों का खेल खेलना हो। अरे अरे तुम क्या कहते जा रहे हो? क्यों मेरी जान के दुश्मन बन रहे हो? चुप हो जाओ। नहीं खेलेंगे तो मैं लूंगा। अच्छा खेलता हूँ बाबा, चुप हो जाओ, खेलता हूँ। हथौड़ी, मैं तो चल चल कर थक गया। मुझ में अभी पूरा शहर घूमने की हिम्मत है। चलो उसे ढूंढो शिशी मानू। बढ़िया मसालेदार कबाब खा लो। चल आपको तो अपनी जीत पे खुश होना चाहिए। किसकी उंगली बड़ी? मत जीता। सर फिर से जीत गया है। सर फिर से जीत गया है। मेरी उंगलियां इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है? डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, क्या शिंजो दिखाई दिया? डिंग 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 डिंग। सामने बहुत भीड़ है, अपना शिंजो जरूर वही होगा। चलो चलकर देखते हैं। जिसकी उंगली बड़ी वो जीता। मेरा जीतना पक्का है। शिंजो, 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 मेरे छोटे भाई। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शिंजो बड़ा जिद्दी बच्चा है, लेकिन वो है कहाँ? अभी अभी तो वो बच्चा यहीं पर था, कहाँ गया? ओ, सो गया। अब इस बच्चे को हमें उठाकर ले जाना पड़ेगा, लेकिन इसे उठाएगा कौन? शिंजो को कौन उठाएगा, ये फैसला तो खेल से ही होगा, उंगली का खेल। फिर वही उंगली का खेल। जिसकी उंगली खुली वो हारा। आज तो मेरा दिन ही खराब है। आज बहुत मजा आया, कल उंगली का खेल फिर से खेलेंगे।